नौजवान खासतौर पर जो हमारे मुल्क का एक कौमी असासा है उनमें देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ऐसे लोग जो है वो ना सिर्फ अपने आप को हर बात का जिम्मेदार ठहराते हैं बल्कि वो समझते हैं कि वो बाकी लोगों के मुकाबले में कमतर है। डिप्रेशन जो है वो एक काबिले इलाज मर्ज है, लाइलाज नहीं है। और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी जो है वो सारी उम्र नहीं खानी पड़ती हैं, लग नहीं जाती हैं, लेकिन इनका एक कोर्स ज़रूर है। मेरा नाम डॉक्टर आयशा रशीद है, मैं प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर गंगाराम हॉस्पिटल में। न्याजी हॉस्पिटल में मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। ये न्याजी हॉस्पिटल अल्लाह गोलचक्कर जौहर टाउन में है। आज बड़ा एक अहम मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, वो है डिप्रेशन। इस मौजू को चुनने की वजह ये देखी गई है कि नौजवान ख़ासतौर पर जो हमारे मुल्क का एक कौमी असासा है उनमें देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हत्ता के जो बच्चे हैं जो अभी टीन्स में हैं, एडोलेसेंस ग्रुप में चल रहे हैं, उनमें भी डिप्रेशन बड़ा कॉमनली पाया जा रहा है। तो हमने सोचा कि आज एक छोटी सी बात कर लें कि डिप्रेशन क्या होता है, इसकी क्या अलामतें हैं, कि किस टाइम पे डॉक्टरों के पास तक जाना चाहिए और क्या क्या इलाज इसके लिए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि डिप्रेशन जो है, हर ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि हर जो है उदासी मायूसी जो है वो डिप्रेशन नहीं है। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़े डाउन फील कर रहे हैं, हम बड़े डिप्रेस्ड हैं, हम बड़े उदास हैं। लेकिन क्लिनिकली अगर हम जिसको देखें कि डिप्रेशन की बीमारी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो उदासी मायूसी है वो कम से कम भी 15-20 दिन रहे, और वो इतनी ज़्यादा हो कि आम खुशी चीज़ें जिनमें पहले उसको खुशी महसूस होती थी उनसे वो उदासी मायूसी दूर ना हो सके। और दूसरी इसमें बात यह है कि जब डिप्रेशन होता है तो इंसान को आने वाला वक़्त जो है वो बहुत डार्क नज़र आता है। उसको लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ हो नहीं सकता, वो अपने आप को एक गैर अहम शख्स समझना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जिनमें वो खुशी महसूस करता है उनमें उसको खुशी नहीं महसूस होती। ऐसे लोग जो है वो ना सिर्फ अपने आप को हर बात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं बल्कि वो समझते हैं कि वो बाकी लोगों के मुकाबले में कमतर है, उनमें कम हिम्मत है। और जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको अब दुनिया से इतनी मायूसी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि इस दुनिया से वो चले ही जाए। और कई लोग तो वो कोशिश भी करते हैं इस चीज़ की कि किसी तरह अपनी जान ख़त्म कर लें। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी अलामतें हैं जो हम अगर पिक करना चाहें लोगों में तो हमें पता लग सकती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई शख्स हैं या आपको खुद इस तरह की अलामतें हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी भी डॉक्टर से रजू करें। डिप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें लोगों में मशहूर हैं कि ये एक लाइलाज मर्ज है, डिप्रेशन की दवाइयाँ सारी उम्र खानी पड़ती हैं, ये दवाइयाँ लग जाती हैं तो, और ये नहीं खानी चाहिए, अपनी विल पावर से ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज ये बताऊं कि डिप्रेशन जो है वो एक काबिले इलाज मर्ज है, लाइलाज नहीं है। और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी जो है वो सारी उम्र नहीं खानी पड़ती हैं, लग नहीं जाती हैं, लेकिन इनका एक कोर्स ज़रूर है। मसलन अगर किसी को पहली दफ़ा डिप्रेशन हो तो दवाइयाँ 1 साल खानी चाहिए, अगर किसी को दूसरी दफ़ा डिप्रेशन का अटैक हो जाए तो 2 साल दवाई खानी चाहिए। हाँ, अगर किसी को तीसरी दफ़ा भी डिप्रेशन हो जाता है तो 3 साल दवाई खानी, उसको सारी उम्र दवाई खानी चाहिए। इसी दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिप्रेशन के इलाज में। और मुख्तलिफ़ वजूहात जिनकी वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है उनके लिए काउंसलिंग एक बड़ा अच्छा ज़रिया है उन वजूहात को हैंडल करने के लिए। तो आप सब लोगों को मेरा ये मशवरा है कि आप, अगर आपको डिप्रेशन का मर्ज़ है तो आप ज़रूर अपने मौलिज से, करीबी मौलिज से रबता करें, साइकेट्रिस्ट से रबता करें और प्रॉपरली इसका इलाज कराएँ ताकि आप एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। इस मसले के लिए आप हमसे रबता कर सकते हैं। मैं न्याजी हॉस्पिटल में शाम को 6 से 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ अपनी। सुबह के टाइम पे मैं गंगाराम हॉस्पिटल में होती हूँ, तो आप कहीं पे भी हमसे रबता कर सकते हैं ताकि आपका एक बेहतर इलाज हो सके। शुक्रिया बहुत बहुत।